यहाँ पे भाई आपको वाटर टैप दिख रहा है लेकिन पानी किधर भी नहीं आ रहा है। 55 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है हरनौत, और यहाँ पे भाई पटना टू छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जाने वाली ट्रेन लगी हुई है मुंबई। ये देखिए अपनी ट्रेन किधर रुकी है, प्लेटफॉर्म उधर ही है भाई और अपनी ट्रेन इधर रुकी है। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू ब्लॉग में। तो भाई फाइनली हम पटना जंक्शन पहुंच चुके हैं और भाई बहुत ज़्यादा ठंड है यार। मैंने दो स्वेटर पहना है, जैकेट भी पहना है भाई और टोपी भी पहना है, सब कुछ पहना है। तो आज की अपनी ट्रेन जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 13234। ये देखिए मेरे पीछे पटना जंक्शन, और भाई ये डेली ट्रेन है, राजगिरी एक्सप्रेस से हम ट्रेवल करने वाले हैं जो रोज़ाना दानापुर से खुलती है और राजगीर को जाती है। 7:25 पर पटना में टाइम है और दानापुर से ये ट्रेन खुलती है 6:50 पर। मतलब भाई 108 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेन ये कवर करती है 3:55 में। ये ट्रेन उतना डिस्टेंस कवर करती है। बाकी भाई इस रूट में मेरा ये फर्स्ट जर्नी है ट्रेन से, देखते हैं भाई कैसा रहता है एक्सपीरियंस, सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। और भाई भीड़ देखते हैं कैसा रहता है, सुनने में आ गया भाई इस रूट में भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है, तो देखते हैं क्या होता है। और यहाँ भाई फड़क्का एक्सप्रेस लगी हुई है जो मालदा से दिल्ली के बीच चलती है। 2 प्लेटफॉर्म पे आई है ये ट्रेन, अपनी ट्रेन भी इसी प्लेटफॉर्म पे आने वाली है भाई। तो वेट कर रहे हैं हम अपनी ट्रेन का। तो फड़क्का एक्सप्रेस फाइनली खुल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। गाइज अपने ट्रेन की अनाउंसमेंट हो चुकी है और भाई 2 प्लेटफॉर्म पे भीड़ भी भाई काफी ज्यादा बढ़ चुका है, देखते हैं कैसा रहता है। तो गाइज फाइनली अपनी ट्रेन आ चुकी है, प्लेटफॉर्म नंबर 2। 7:22 पे आई है अपनी ये ट्रेन दानापुर से आने वाली गाड़ी को पहुंचने वाली गाड़ी संख्या 4 दानापुर राजगीर इंटरसिटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2। ICF कोचेज भाई, सारे के सारे ICF कोचेज हैं। बहुत टाइम के बाद ICF कोच में ट्रेवल करने का मौका मिल रहा है। से आने वाली राजगीर को पहुंचने वाली गाड़ी संख्या, मुझे लगा था भाई LHB कोचेज होंगे बट ICF के कोचेज हैं सारे। भाई कुछ इस तरीके का ही दिखता है अपना इंटीरियर, पुराने जैसे ICF कोचेस होते थे। भाई बहुत टाइम के बाद ICF कोच में ट्रेवल करने का मौका मिला है भाई। और इधर आपको वॉशरूम मिल जाएंगे। तो भाई इस ट्रेन की टाइम तो हो गई है 7:25 और भाई अपनी ट्रेन अब यहाँ से खुलने ही वाली है। मुझे लगा था भाई बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है इस ट्रेन में, लेकिन भाई उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। अगर फेयर की बात करें तो अगर आप जनरल से ट्रेवल करते हो तो आपको 65 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, और अगर आप चेयर कार से ट्रेवल करते हो तो 265 रुपये मीन्स 265 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। इस ट्रेन में आपको 19 जनरल कोच और भाई एक चेयर कार मिलेंगे। और अगर आपको इस ट्रेन से टिकट बुक करके जाना है तो भाई एक सप्ताह पहले एटलीस्ट टिकट बुक कर लेना, नहीं तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। ऐसे आप जनरल से भी ट्रेवल कर सकते हो, देखता हूँ कैसा रहता है कंडीशन, फिर मैं आपसे शेयर करूँगा। और लोकोमोटिव की बात करें भाई तो इसमें WAP 4 की लोकोमोटिव लगी हुई है और ICF कोच के साथ ये ट्रेन चलती है। हरनौत से खुली है अपनी ट्रेन, आधे घंटे डिले यहाँ से अपनी ट्रेन खुली है भाई, कोई ट्रेन आ रही थी उसी की वजह से अपनी ट्रेन को रोक दिया गया था, और अब अपनी ट्रेन यहाँ से खुल चुकी है।
वहाँ पे भाई जो मैं आपको दिखा रहा था वहाँ पे कैरेज रिपेयर वर्कशॉप है हर नॉट का। तो गाइज फाइनली 2 नंबर प्लेटफॉर्म से अपनी ट्रेन खुल चुकी है, 10 मिनट लेट खुली अपनी ये ट्रेन 7:35 पे। ठंड भाई काफी ज्यादा है यार। और हमारी कोच बिल्कुल भाई एकदम फर्स्ट वाली कोच है हमारी, ये देखिए लोकोमोटिव आपको दिख रहा होगा और उधर से भाई मालगाड़ी आ रही है। बाय बाय पटना जंक्शन। तो गाइस फाइनली 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है राजेंद्र नगर टर्मिनल। यहां का स्टेशन कोड है RJPB और टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो टोटल 4 प्लेटफॉर्म है यहां पे। और भाई ये बेसिकली पटना जंक्शन का एक पार्ट है, वहां से भीड़ कम करने के लिए इस स्टेशन को ओपन किया गया साल 2003 में और अपनी ट्रेन यहाँ ऑन टाइम ही पहुँची है। फाइनली अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है गुलजार बाग, यहां का स्टेशन कोड है GZH और टोटल नंबर �ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो टोटल 3 प्लेटफॉर्म है यहां पे। और भाई काफ़ी नीचे है यहां पे प्लेटफॉर्म, तो थोड़ा संभल के उतरना आप लोग। प्लेटफॉर्म की देख रहे हो ऊंचाई आप, सीढ़ी कितनी नीचे है। सुबह के बज गए 8 और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है पटना साहिब, यहां का स्टेशन कोड है PNC और टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो टोटल 3 प्लेटफॉर्म है भाई। वॉशरूम में है भाई, फॉग की वजह से काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, मतलब सुबह के 8:15 हो चुके हैं लेकिन तो यहां पर भाई पानी नहीं आ रहा है, भाई पानी नहीं आ रहा है ना, सोप है मिरर है यहाँ पे। और भाई नीचे मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई पूरा पानी भरा हुआ है तो जाम है पूरा और भाई पानी नहीं आ रहा है किधर भी, तो यही सीन है भाई बाथरूम का। बाकी फॉग बढ़ ही जा रहा है भाई, रुकने का कोई नाम नहीं है।
सुबह हो रहा है तो और बढ़ ही रहा है। देखिए कितना ज्यादा फॉग बढ़ रहा है भाई। दारगंज हॉल्ट, तो गाइस फाइनली अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है वेना। यहाँ का स्टेशन कोड है WENA और टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो भाई टोटल 3 प्लेटफॉर्म है यहाँ, और इसके बाद बिहार शरीफ, उसके बाद फिर पावापुरी रोड, उसके बाद अपनी लास्ट डेस्टिनेशन राजगीर। गाइस फाइनली अब लगता है सूर्योदय हो जाएगा भाई, ये देखिए आप, अब थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही है। मुझे तो नहीं लगा था भाई कि आज सनराइज होगा, बट मेरी किस्मत अच्छी है भाई। गाइस फाइनली अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है बिहार शरीफ। यहाँ का स्टेशन कोड है BEHS। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो भाई टोटल 2 प्लेटफॉर्म है और 3 प्लेटफॉर्म जो है भाई वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, और अपनी ट्रेन भाई प्लेटफॉर्म से आगे आ चुकी है और भाई धूप उग चुका है तो काफी अच्छा लग रहा है भाई। ये देखिए अपनी ट्रेन किधर रुकी है, प्लेटफॉर्म उधर ही है भाई और अपनी ट्रेन इधर रुकी है, तो यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है भाई। देख सकते हैं उतरने में काफी परेशानी हो रही है। ट्रेन की भाई आधी से ज्यादा भीड़ बिहार शरीफ में खत्म हो गई। अब 2 स्टॉपेज ही है बस भाई, पावापुरी रोड एंड अपनी लास्ट डेस्टिनेशन राजगीर। मिलते हैं आपसे सीधा पावापुरी रोड में। तो गाइस फाइनली अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है पावापुरी रोड। यहां का स्टेशन कोड है POE और टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो टोटल 2 प्लेटफॉर्म है। और भाई मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, अगर आप इस ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो तो भाई आगे वाले कोचेज में मत बैठना भाई, 2-3 कोचेज छोड़ के भाई पीछे वाले कोचेज में बैठना, नहीं तो आपको भाई प्लेटफॉर्म से आगे ही उतरना पड़ेगा जो आपको दिक्कत हो जाएगा। फिर दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए ऐसे उतरना पड़ेगा फिर आपको, और भाई प्लेटफॉर्म उधर है, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा पीछे बैठना।
फाइनली राजगीर पहुंच गए हम लोग। तो गाइस फाइनली हम राजगीर पहुंच चुके हैं। यहाँ का स्टेशन कोड है RGD और टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो भाई टोटल 3 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। और इसी के साथ हम ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो उनके दानापुर डिवीज़न में है, मतलब भाई पटना से यहाँ तक जो हम आए हैं तो ये सारा ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो उनका दानापुर डिवीज़न में ही आता है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं भाई, हम एकदम टाइमली मतलब 10:45 में यहाँ पहुँचे हैं। तो जर्नी अगर अच्छी लगी और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना।